भारत संविधान प्रस्तुत करने प्रक्रिय निजर मार्गदर्शन और योगदान द्वारा डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद स्वतंत्र एवं आधुनिक भारत मूलद्वा प्रतिष्ठा करते डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद जातीय आईन विश्वविद्यालय उद्घाटन अवसर में यह कहते देशर मुख्य विचारपति जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से कहते प्रयागराज दशंधि दशंधि धरी ज्ञानर केन्द्रबिंदु हो रही आसपाई पूर्व भारत अक्सफोर्ड कहला देश निर्माण में आईनजीवी अवदान अतुलनीय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते प्रयागराज गंगा जमुना और सरस्वती त्रिवेणी संगम एठार धर्म ज्ञान और न्यायर त्रिवेणी रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्गदर्शन में विगत 6-7 वर्ष उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित करिबार सफलता मिली सुशासन प्रथम शर्त रूल ऑफ लॉ रही कहते योगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न सिर्फ हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे बल्कि एक बड़े सम्मानित वकील भी थे। एक वकील के रूप में प्रयागराज से उन्हें बेहद नजदीकी संबंध रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कानून क्षेत्र में पीएचडी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। भारत के संविधान बनने की प्रक्रिया में अपना मार्गदर्शन और योगदान देकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्र एवं आधुनिक भारत की नींव रखी। गंगा यमुना और सरस्वती इस त्रिवेणी का महासंगम है, लेकिन इसके साथ ही यह धर्म ज्ञान और न्याय की पवित्र त्रिवेणी भी है। तो स्वाभाविक रूप से जब इस धर्म ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी के इस महासंगम में एक नई कड़ी जोड़नी थी, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में विगत 6-7 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन को स्थापित करने में कुछ सफलता प्राप्त की। सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।